This conference will now be recorded. रेडिस होता क्या है? तो स्टार्ट करते हैं रेडिस। आखिर व्हाट इज रेडिस, रेडिस है क्या? तो हमने एक पीपीटी बनाया, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसका जो एक वेबसाइट है, व्हाट इज रेडिस, तो इसका और व्हाट इज रेडिस यानी रेडिस है क्या, उससे पहले इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट को देख लेते हैं। उसका ऑफिशियल वेबसाइट को देखने से ही आधा पता चल जाएगा कि रेडिस है क्या। जैसे कि इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है रेडिस, जैसे आप गूगल में जाइएगा, दो तीन वेबसाइट है इसका, तो एक ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाते हैं, redis.io इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें डिफाइन किया गया था रेडिस किसको कहते हैं। तो रेडिस एक ओपन सोर्स सर्विस है जो इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि ये ओपन सोर्स है, यानी कि इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री है ये, और एक मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है डाटा को विदाउट डाटा बेस। इसमें नो ओनली केचे के माध्यम से, क्यू के माध्यम से हम लोग का जो वेबसाइट होता है, लारावेल का हो, PHP का हो, या के कोई भी लैंग्वेज का हो, उसमें हम लोग का जो भी हम लोग स्टोर करते हैं, गेट करते हैं, या डाटा को भिजवाते हैं, या मंगवाते हैं, या कुछ भी करते हैं, या फाइल को अपलोड करते हैं, एक तो एक क्यू के माध्यम से और एक केचे के माध्यम से ये अपना एक रेडिस को इंस्टॉल करके हम उसमें रख सकते हैं, जिससे हम लोग का वेबसाइट फास्ट होता है और काम करता है। तो इसको आप समझते हैं, ये हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि एक इमेज के माध्यम से मैंने एक ब्लॉग में समझाने की कोशिश किया है, इसका जो फुल फॉर्म है रिमोट डिक्शनरी सर्वर, यानी एक तरह का ये रिमोट डिक्शनरी सर्वर है, जहाँ पर हम लोग का जो भी वेबसाइट है, लारावेल, PHP जो भी है, तो हम लोग जब डाटा को भेजते हैं या डाटा को गेट करते हैं, तो एक ये डाटा बेस, नो एसक्यूएल डाटा बेस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नो एसक्यूएल डाटा बेस, नो एसक्यूएल डाटा बेस से आप लोग पकड़ पा रहे हैं, उसमें डाटा बेस का कोई ज़रूरी नहीं है। एसक्यूएल तो है लेकिन डाटा बेस इसमें नहीं है। जैसे कि इमेज के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है इस ब्लॉग में, जैसे एक यूजर है, आप लोग देख पा रहे हैं, हेलो स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, हाँ दिख रहा है। हाँ, एक इमेज के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक एक यूजर है, ठीक है, और मान लीजिए ये मेरा सर्वर है, ठीक है। अभी सर्वर में एक यूजर डाटा को अगर गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, बेसिकली यही होता है। डाटा यूजर डाटा को भेजता है या लॉगिन करता है या रजिस्ट्रेशन करता है या रीसेट करता है, ये डाटा भेजता है, लाता है, अपडेट यही करता है, बेसिकली कोई भी साइट। तो जैसे ये हम लोग का सर्वर है, तो जैसे हम लोग का एक और इमेज के माध्यम से, जैसे हम लोग का जो भी वेबसाइट अभी रन करता है, ये देखिए हम लोग का जो वेबसाइट है, जो हम लोग रन काम करते कोई वेबसाइट पे, तो हम लोग का जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सीधा जाता है डाटाबेस में, और डाटाबेस से सीधा रिस्पॉन्स मिलता है यूजर को। ऐसे ही काम करता है, सभी लोगों को पता है। तो अब हम लोग बीच में रेडिस यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वेबसाइट को फास्ट बनाने के लिए। तो कैसे काम करता है उसको हम देखेंगे, कैसे ही काम करता है। ये रहा इमेज। तो इमेज के माध्यम से पहले इमेज में देखा कि डायरेक्ट यूजर ने रिक्वेस्ट किया, उसको रिस्पॉन्स भेजा, डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजा यूजर ने डाटाबेस को, डाटाबेस में चला गया, उसके बाद वो रिस्पॉन्स उसको दे दिया। सिंपल हम लोग का वेबसाइट इस तरह काम करता था। तो अब बीच में हम लोग रेडिस जैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर पे, वो सब हम बाद में सीखेंगे कि अपने सर्वर पे रेडिस को कैसे यूज करते हैं। अभी बेसिक जान लेते हैं कि रेडिस होता क्या है और काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये सर्वर था, अब बीच में हम लोग का डायरेक्ट हम लोग डाटाबेस में स्टोर कर देते थे, ठीक है।
हम लोग डाटा बेस में डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते थे और यहाँ से गेट करते थे, रिस्पॉन्स करते थे गेट करते, रिस्पॉन्स करते थे गेट करते थे। अब इस सर्वर में हम लोग रेडिस को इंस्टॉल किया और जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या रिस्पॉन्स मंगा रहे हैं, तो वो सारा जाके रेडिस का एक केचे होता है और दो दो चीज में काम करता है, एक केचे एक क्यू, दोनों काम करता है। तो जैसे हम यूजर ने अपना वेबसाइट से कुछ डाटा भेजा तो रेडिस का एक केचे बनता है, उसमें जाकर ये स्टोर हो जाता है। जैसे हमने बताया था रिमोट डिक्शनरी सर्वर है, इस तरह का एक केचे बनाता है, सारा डाटा इसमें स्टोर हो जाता है और तुरंत इसको रिस्पॉन्स यूजर को दे देता है। तो इसके माध्यम से वेबसाइट तुरंत यूजर को तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया और बाद में बैकएंड में रेडिस के केचे से ये डाटा को अपडेट करवा रहा है, डिलीट करवा रहा है या गेट करवा रहा है, जो रिस्पॉन्स ने यूजर ने दिया, जो इस रिस्पॉन्स यूजर यूजर को डाटाबेस को दिया, बीच में हमने रेडिस इंस्टॉल किए हैं तो ये रिस्पॉन्स दे दिया यूजर को। बाद में बैकएंड में ये जो भी हम लोग गेट करवाए थे या एडिट करवाए थे या डिलीट करवाए थे वो बाद में डाटाबेस में ये स्टोर हो जाता है। बेसिकली इसी तरह काम करता है रेडिस सर्वर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ ठीक, कहीं पे किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे मीटिंग में ही, जितना हो सके मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक तरह का ये यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है कि रेडिस एक ओपन सर्वर है इन मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर, जो डाटा बेस केचे मैसेज ब्रोकन जो हम लोग इसे पासवर्ड वगैरह करते हैं और जो हम लोग स्ट्रिंग है, लिस्टेड है, सेट है, सॉर्टेड है, इसके रूप में ये रेडिस काम करता है विदाउट एसक्यूएल कर। ठीक है, और जैसे हमने बताया था कि ये इसका जो फुल फॉर्म है रिमोट डिक्शनरी सर्वर, वही इसका रिमोट डिक्शनरी सर्वर है। अब ये क्या करता है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि रेडिस है क्या, व्हाट इज रेडिस, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में कुछ लिखा है इमेज के माध्यम से कि रेडिस इज ए की वैल्यू स्टोर, यानी की वैल्यू स्टोर यानी कि हम कुछ भी की स्टोर कर रहे हैं उस वैल्यू की का जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाता है रेडिस में। स्टोर सर्वर डाटा स्टोरेज डाटा एंड की एंड वैल्यू पेयर, जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तो मैंने लिख दिया कि रेडिस इज की वैल्यू स्टोर, यानी जो भी मैंने की सेट किया उसका वैल्यू जो भी है वो स्टोर होता है रेडिस में और रेडिस से चला जाता है डाटाबेस में क्यू के माध्यम से या केचे के माध्यम से, जैसा हम सेट करेंगे वेबसाइट में उस तरह वो केचे या रेडिस के माध्यम से ले जाएगा। जैसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए नेम मेरा क्या हो गया, की हो गया, उसका वैल्यू जोन हो गया यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह का हम लोग पेयर बनाते हैं। तो एक तरह का मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए यहाँ मिस नहीं कर रहा, मैं अपने और दिखा देता हूँ। दो मिनट होल्ड कीजिएगा। यहाँ तक समझ गए, जो भी हम लोग की का वैल्यू सेट करेंगे वो रेडिस में जाकर स्टोर हो जाएगा और उसके माध्यम से हम उसको गेट करवा सकते हैं और स्टोर करवाने के बाद। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद जैसे हम सेट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपना रेडिस सर्वर में सेट करेंगे, तो सेट का ये जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा कमांड सेट नेम, नेम का जो वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं और यूजर को वो गेट कर लेगा। अगर गेट लिखेंगे नेम, नेम में जो सेट होगा वो नेम आ जाएगा और मैंने गेट
मैंने जो ऐसे जो सेट किया हुआ सेट नेम सेम सेट एज उस तरह का सेट करेंगे, जो सेट करेंगे वो डाटा डिस्प्ले करके गेट करवा लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, इसका जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि ये नो एसक्यूएल डाटाबेस है, यानी कि डज नॉट हैव कोई भी इसका MySQL भी नहीं है, ओरएलडीबी नहीं है, जो भी हम लोग यूज करते हैं वो ना इसमें टेबल है, ना रोम है, ना कॉलम है, ना फंक्शन, कुछ भी इसमें नहीं है। नो एसक्यूएल डाटा है, नो एसक्यूएल डाटा यानी कि डाटाबेस है ही नहीं, एक तरह का रिमोट डिक्शनरी सर्वर है। ठीक है, वो ना सिलेक्टर समझता है, ना इंसर्ट समझता है, ना अपडेट समझता है, ना डिलीट करता है, उसे कैचे और क्यू के माध्यम से डाटा को स्टोर करता है, और उसके बाद वो डाटाबेस में हम लोग का जो भी है इंसर्ट डिलीट अपडेट सिलेक्टेड वो काम करता है डाटाबेस। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि ये सेम स्ट्रिंग लिस्टेड सेट सॉर्टेड हैशेड में काम करता है, उसी तरह ये काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ कमांड है। ठीक है, जिसका मैंने जैसे ऑफिशियल वेबसाइट बनाया था रेडिस डॉट ए आई कमांड्स, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं कि कौन कौन सा इसका कमांड है। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे URL बनाया था कि ये जो साइट है, जो भी इसका कमांड है, जो भी आपको देखना है सारा कमांड, जैसे मैंने अभी की वैल्यू सेट करके दिखाया था इमेज के माध्यम से समझाया, उसी तरह इसका बहुत सारा कमांड है, जैसे आप डाटा को कैचे करवा सकते हैं या क्यू करवा सकते हैं, वो नेक्स्ट सेशन हम लोग समझेंगे या स्टोर करके आपको दिखाएंगे कैसे की को वैल्यू को और या कैचे को स्टोर करते हैं। तो अभी बेसिकली इसका फंडामेंटल समझ लेते हैं यहाँ पे क्या रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कमांड देखा, ये बहुत सारा कमांड है, यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉप डाउन से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको कमांड चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, गेट का कमांड क्या है, क्लाइंट का क्या है, सर्वर क्या क्या है, सारा यहाँ पे कमांड होगा, या यहाँ से आप लिस्ट भी है। ठीक है, जैसे हमको लिस्ट का देखना है तो लिस्ट का जो भी कमांड है यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन से माध्यम से आप देख सकते हैं, और यहाँ सर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा कमांड कौन सा वेबसाइट में सपोर्ट करता है। ठीक है, ये कमांड हो गया। और ये जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, ये मैं 2010 मई को 2009 में फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, और ये एक तरह का ओपन सोर्स सर्वर है। ठीक है, अब वाई यूज रेडिस, हम लोग रेडिस का यूज क्यों करेंगे, हम लोग का जो भी वेबसाइट है, आप लोग का सारे लोग जितना भी वेबसाइट चल रहा है, सारा वेबसाइट चल ही रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा वेबसाइट चल ही रहा, अच्छे से चल रहा, तो हम इसको यूज क्यों करेंगे। तो पहले मैंने समझाया था कि ये जो रेडिस है, और ये जैसे हम लोग कोई भी डाटा गेट करवाते हैं या फेच करवाते हैं, तो डाटा बेस में जाने के दरमियान हम लोग का वेबसाइट स्लो हो जाता है, घूमते रहता है, बफरिंग करता है, तो उस बफरिंग को कम करने के लिए, वेबसाइट को फास्ट करने के लिए इस रेडिस का यूज किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है, एक क्यू के माध्यम से और एक कैचे के माध्यम से। उसका पहला क्या क्या ठीक करता है, इसका बेनिफिट क्या क्या है, ये परफॉर्मेंस सही करता है, फ्लेक्सिबिलिटी करता है, बहुत सारा लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो सारा एक एक करके इसको समझेंगे कि कैसे ये फास्ट करता है। ये एक तरह का वेरी फास्ट सर्वर है, डाटाबेस नो एसक्यूएल डाटाबेस है, जो वेबसाइट को बहुत फास्ट बनाता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको वेबसाइट बना के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है, जैसे हाउ फास्ट यानी फास्ट की कैसे काम करता है, मैंने बताया था कि कैचे क्यू के माध्यम से ये वेबसाइट को फास्ट करता है। तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे सारा टॉपिक दिया हुआ है, कैसे कैचे में या क्यू में या इंसर्ट डिलीट में कैसे काम करता है, तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट, उसको जाके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं उसमें क्या क्या वो डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए सारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि कैसे काम करता है, कैसे फास्ट काम करता है, सारा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, एक एक करके इसको हम लोग आगे चल के आगे यूज करेंगे इसको। ठीक है, ये सारा यहाँ पे कितना रिस्पॉन्स लेता है, कितना रिक्वेस्ट लेता है एवरी पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा ये यहाँ देख रहे हैं आप कितना फास्ट ये रिस्पॉन्स लेता है, कोई भी यूजर को डाटा को गेट करवाना है या फेस करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है यूजर को, बीच में बफरिंग वगैरह उतना नहीं होता है, या वेबसाइट लोडिंग में या अनलोडिंग में काम स्लो नहीं होता वेबसाइट, इसलिए ये वेरी फास्ट कहा जाता है। और बहुत सारे यहाँ पे सारा का डिफाइन किया हुआ कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, नहीं समझते हैं कि ये हो गया वेरी फास्ट है। ठीक है, अब
एक ही तरह समझते हैं कि ये सिंपल जो फ्लेक्स भी कैसे काम करता है। तो नो नीड डिफाइन टू टेबल रो कॉलम, यानी किसके लिए, जैसे हम लोग जो डाटा बेस है, ठीक है, लोकल का डाटा बेस बोल देते हैं, जैसे इसमें बहुत सारा रो कॉलम होता है सारा, यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, आईडी टेबल ये वो, तो इसमें उस तरह का कुछ बनाने का, या हम लोग अपना लारावेल का प्रोजेक्ट में बनाते हैं, रो बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, जिसके माध्यम से डाटा को इंसर्ट डिलीट या अपडेट करवाते हैं, इसमें उस तरह का कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, ना रो ना कॉलम कुछ बनाने जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंसर्ट हो जाए, डायरेक्ट डिलीट होगा, नो कोई भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सिंपली जैसे हमने बोला था कि जैसे यहाँ पे हम सेट करेंगे की वैल्यू तुरंत डाटा को, जो भी हम सेट करेंगे उसके अनुसार वो डाटा यूजर को गेट या शो करवा देगा कि ये है, उस तरह का ये डाटा को बहुत फास्ट तरह से रीड राइट और डिलीट वगैरह सब करवाता है, ठीक है। अब इसका डिलीवर क्या है वो देखते हैं, ये हैज ऑप्शन राइट रीड ऑन द डिस्क, तुरंत डिस्क पे रिजल्ट दे देता है, वेरी फास्ट एक तरह का है। कैचे जैसे हम लोग जो वेबसाइट होता है तो एक ही यूआरएल को हम रन करवाते हैं, कैचे पकड़ लेता है, जिस तरह से जो भी नया इसमें फीचर आया तो काम नहीं करता सही से और कैसे पकड़ लेता है, बार बार वही चीज़ खुलता है, इसमें कैसे वगैरह बनता नहीं है, सारा कुछ डिफाइन करके फ्लैग कर देता है, ठीक है। अब इसका लैंग्वेज कौन कौन सा है, एक क्लाइंट है इसका, ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जो भी लैंग्वेज इसका है वो वहाँ पे डिफाइन किया हुआ, तो हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या क्लाइंट है, क्या क्या लैंग्वेज सारे क्लाइंट सपोर्ट करता है, ठीक है। अब कनेक्टिव देखिए, इतना सारा जो लैंग्वेज है ये सारा नेट नोड पैथन ये सारा लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सारा, एक एक करके आप देख सकते हैं क्या है नहीं है, नोट में कैसे काम करता है, ये सारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कैसे वो यूज करता है, बहुत सारा लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है जिसके माध्यम से कोई वेबसाइट बहुत फास्ट काम करता है। अब इसका ये देखते हैं कि कैसे ये डाटाबेस को ट्रांसफर और फास्ट बनाता है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में यही चीज समझाया था कि कोई भी वेबसाइट है तो यूजर रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद रिक्वेस्ट के बाद उस यूजर को रिस्पांस चाहिए कि मैंने जो भी डाटा को स्टोर करवाया या रजिस्ट्रेशन जो भी करवाया उसका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। तो पहले हम ऐसे ही काम करते थे, कोई वेबसाइट में रिक्वेस्ट भेजें और डाटाबेस से रिस्पॉन्स मंगवाते थे। अब इसके बीच में हम लोग डाटाबेस को रेडिस को इंस्टॉल कर दिए बीच में और केचे के माध्यम से हम जो भी रिक्वेस्ट भेजें वो डाटाबेस में हम लोग स्टोर करवाते हैं, जो पहले मैंने समझाया था उसी तरह ये काम करता है। केचे में सारा डाटा को स्टोर रखता है और बाद में ये डाटाबेस का जो रेडिस का जो भी केचे है उसके माध्यम से ये डाटा को लेकर डाटाबेस में स्टोर करवाता है, ठीक है। वही सब सिंगल टेक्सेस है, कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत शॉर्ट है, पाइपलाइन है, ये सब है और बहुत सारा का ये सब अभी जो भी वेबसाइट हम लोग का है अभी ये सब जो है गिटहब है, पिंटरेस्ट है, स्टैक ओवरफ्लो है, ट्विटर है, ये सब डॉकर है, ये सब लैंग्वेज अभी बहुत तेजी गति से ये लोग इस पे इस रेडिस को यूज कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब देखते हैं जो मैंने समझाया कि गेट और पोस्ट कैसे हो रहा है, ये इंस्टॉल किया था, चलिए हम लाइव सर्वर पे दिखा देते हैं। मैंने अपने लाइव सर्वर में सेट करके रखा है, लोकल में दिखा देते हैं,
ये एक तरह का जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन का विंडो में कैसे सपोर्ट करता है वो मैं कल इंस्टॉल करके सारा कुछ दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने अभी बताया था ये की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे भी रन करवा के देखेंगे। ये रहा मेरा रेडिस, इसका आईडी और ये पोर्ट, ठीक है। सेट जो मैंने बताया था नेम, अभी वो सेट हो गया, यहाँ लिख दिया सेट नम, मेरा की हो गया नेम और उसका वैल्यू हो गया अभी, यहाँ पे लिख दिया ओके, ठीक है। अब सेट करता हूँ कुछ और, सेट इज 26, ओके ये भी सेट हो गया, यानी मैंने दो दो की को रेडियस के सर्वर पे स्टोर करवा दिया। अब मुझे वो डाटा को देखना है, यहाँ सिंपल जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था गेट नेम, अब शो हो जाएगा, अभी गेट एज, वो एज कितना वो शो हो जाएगा। कुछ भी हम लोग सेट कर सकते हैं, जो भी आप स्ट्रिंग सेव कीजिए, .NET सेव कीजिए, जो आपको सेट करना है सॉफ्टवेयर सेव कीजिए, जो भी स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी है, ये सारे में से लिस्टेड है, जो भी आपको सेट करना है वो यहाँ पे आप सेट करके उसको क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ नंबर, ये मेरा नंबर हो गया की, और नंबर मैंने दे देता हूँ 25, ये रॉन्ग है क्योंकि इसका वैल्यू अलग होता है, नंबर का जो होता है लिस्टेड का, देखता हूँ इसका जो कमांड है वहाँ देखना होगा उसका क्या है, चलिए इसको देखता हूँ उसका कमांड क्या है। मैंने अभी दो ही किया है और देखता हूँ कुछ और करता हूँ, ओह सॉरी यहाँ तो मैंने गेट लिख दिया पहले ही, गेट नहीं होगा ना, यहाँ सेट होगा, मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट में गेट नंबर 25, तो मैं तो गेट गेट ओनली गेट नंबर लिखूंगा ना, तो मेरे नंबर तो सेट ही नहीं कर रहा है, तो पहले सेट करना होगा की वैल्यू के साथ, तो गेट नंबर 25 अब सेट हो गया, अब सेट हो गया। अब नंबर मैं यहाँ करूँगा गेट नंबर, जो भी मैं सेट करूँगा वो सेट हो जाएगा 25। अब जो मैंने जो भी की मैंने सेट किया उसको मैं जितना भी आप इसमें स्टोर या गेट या जो भी कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसको विंडो में, लिनक्स में, उबंटू में कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इस तरह का हम लोग वेबसाइट फास्ट होता है, जैसे मैंने एक डमी प्रोजेक्ट बना कर रखा है वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको, इसमें यूज किया हूँ, वहां पे मैंने जो सेट किया था यहाँ पे हम देख सकते हैं गेट नंबर, क्योंकि रेडिस पूरा सिस्टम में तो मैं वेबसाइट के अंदर आया हूँ, सिस्टम ना तो स्लो है। मैं ट्रैक नहीं हूँ।
सिंपल लाइन इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पे देखिएगा आपको अभी ये डाटाबेस से कनेक्ट है, ठीक है। इसमें मैंने सेट किया कि जैसे ये पेज रिफ्रेश होगा, जैसे मेरा प्रोजेक्ट रन करेगा, तो यूजर को एक मेल चला जाएगा, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्स है वो कितना देर में यूजर को दिखा रहा है वो आपसे देखिए, वेट कर देता हूँ। अब इसको हम लोड करवाते हैं, यहाँ देखिए, देख रहे हैं आप, ये अभी गया, हमें काफी समय लिया डाटा को भेजने में, जो मैंने मेल सेट किया काफी समय लिया, उसके बाद यहाँ पे है। अब मैं इस लार्वेल के प्रोजेक्ट में डाटाबेस को हटा कर रेडियस को यूज करूँगा। मैंने सारा सेटअप है, जो जो मेरा जो पोर्ट आईडी है और होस्ट जो भी है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था, जो यहाँ पे है होस्ट ये है, पोर्ट ये है, जो मैंने यहाँ पे हिंदी में सेट करके रखा हूँ, ठीक है, होस्ट पोर्ट, और ये जो कि यहाँ पे मैंने डाटाबेस सेट कर रखा था। अब यहाँ पे मैं रेडी सेट करूँगा, देखिए तुरंत गया मेरा, फिर से देखा देखिएगा, लोडिंग चला गया तो निकाल गया। डिलीट करते हैं, तुरंत चला गया मैं, देखिए आपको मेल आ जाएगा। इसको रेडियस को हटा कर अभी पहले डाटा बेस मैंने सिलेक्ट किया था, रेडियस को देखिए, रेडियस को होता है डाटा बेस, ये मैं क्यों किया हूँ, और जो केच है वो अलग तरह से होता है, ठीक है, क्यू के माध्यम से इसको मैं भेज रहा हूँ। मैंने चेंज किया तो कैसे हटाना होगा, अब देखिए टाइमिंग देखिए, देखें आप लोग, ये रहा रेडिस, तो मैंने क्यू में इंप्लीमेंट करके देखा हूँ, बोलता हूँ कैसे लारावेल का प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन रेडिस को यूज करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अब कल का सेशन रहेगा कि रेडिस को आप विंडो में, उबुंटू में या डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन अपना लोकल होस्ट या लाइव सर्वर में कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन? हाँ
ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन कल का रहेगा इंस्टॉलेशन। विंडो में कैसे इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स में कैसे सेशन इंस्टॉल करते हैं, वो कल मैं इंस्टॉल करके और सारा कुछ दिखाऊंगा। और कैसे मैंने अपना लोकल में, अपना डेस्कटॉप में, विंडो में कैसे मैंने की को सेट किया और गेट करवाया, वो मैं पहले से सेटअप करके रखा था। मैं आपको सिर्फ की वैल्यू को सेट करके गेट करवा दिया, और मैं पहले इंस्टॉल करूँगा अपना विंडो में, लिनक्स में, दोनों जगह की वैल्यू जो भी स्टोर है मैं स्टोर करके कल वो सिंपल का सेशन हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रहा, कल मिलते हैं फिर। सिस्टम है।